इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े गोलड़ा शरीफ जंक्शन एक तारीखी अहमियत रखता है। इसका क़याम 1882 में ब्रिटिश दौरे हकूमत में हुआ। इसे जंक्शन का बाकायदा दर्जा 1912 में मिला। इस तारीखी अहमियत के साथ साथ यहाँ ब्रिटिश दौर के स्टीम इंजन और एक अहम म्यूज़ियम भी मौजूद है, जहाँ पाकिस्तान रेलवे के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली पुरानी अशिया को डिस्प्ले किया गया है। इस लिहाज से ये सयाहों और बिलखसूस रेलवे और ट्रेन से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहतरीन जगह है। इस्लामाबाद ब्लू एरिया से 16 किलोमीटर के फासले पर मौजूद इस स्टेशन पर मुनासिब ट्रैफिक हो तो निसफ घंटे में गाड़ी पर यहाँ पहुँचा जा सकता है। बरगद के कदीम और कद आवर दरख्त रेलवे लाइन के साथ कतार में लगे इसकी खूबसूरती में इजाफा करते नज़र आते हैं। ये रेलवे जंक्शन मरकज़ी रेलवे लाइन पर वाक़े है, जो पेशावर को कराची से मिलाती है। 2003 में यूरोपीय यूनियन की इमा पर पाकिस्तान हकूमत ने इस स्टेशन पर खसूसी तवज्जो दी और एक छोटी विक्टोरिया अंदाज की इस इमारत में यहाँ रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम कायम किया गया। यहाँ दाखिले के लिए 50 रुपये की टिकट लेना होती है। आज गोलड़ा शरीफ जंक्शन को सफ़र के बजाय रेलवे सकाफती म्यूज़ियम के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है, जिसका क़याम अक्टूबर 2003 में अमल में आया और ये म्यूज़ियम अपनी तर्ज का मुनफरिद मकाम है। इसका मकसद पाकिस्तान रेलवे की तारीख के मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ औकात में रेलवे के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली चीज़ें डिस्प्ले करना है। हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल लाइट है, रेलवे की फाटकों पे यूज़ होती है, रेलवे की जो फाटक होती है ना उस पे यूज़ होती है, ताकि कोई हादसा ना हो। रोड की ट्रैफिक जो होती है उसके दरमियान और रेल की ट्रैफिक के दरमियान कोई हादसा ना हो, इसलिए ये फाटक पे होती है। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल लाइट उसको बोलते हैं। ये पुराने ज़माने की लाइट है, मिट्टी के तेल से जलती थी। उसके बाद हमारे पास है स्टोव का मीटर, यह मल्टी टास्क है। हमारे पास जो लास्ट ब्रिटिश बस आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये भी मिट्टी के तेल से चलता था, ये भी बंद है तो हीटर का काम कर रहा है। ये इसके ऊपर से कवर हटाएंगे तो ये चूल्हे का काम भी करता था, ये भी मिट्टी के तेल से चलता था। उसके बाद ये सिग्नल लाइट और पोल लाइट्स हैं, जो अभी भी आप जाएंगे आगे सिग्नल जो लगे होंगे उनके पीछे देखिए यही लाइट्स यूज़ होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास हैं ये टेबल लैंप्स हैं, वाइट और गोल्डन वाले, ये रेलवे के ऑफिसर्स यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। ये हैंड सिग्नल लाइट है, ये वाली ये स्टेशन मास्टर यूज़ किया करते थे ट्रेन को सिग्नल देने के लिए। ये गार्ड रूम लाइट है, ट्रेन में जो गार्ड रूम होता है उसके बाहर लगी होती है। उसके बाद ये हमारे पास है नील बॉल टोकन मशीन, ये बेसिकली हमारा 1965 का वॉर विक्ट्री सिंबल है। बेसिकली इस मशीन का काम है परमिशन टोकन देना, जिस टाइम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं आप लोग टिकट लेते हैं परमिशन होती है आपको, उस टाइम ड्राइवर के लिए भी टोकन होता है। अगर ड्राइवर के पास वो टोकन नहीं होगा ट्रेन अगले स्टेशन पर पास नहीं कर सकती। टोकन मैं आपको दिखाता हूँ, ये टोकन होता है, ये टोकन अगर ट्रेन के ड्राइवर के पास नहीं होगा तो ट्रेन अगले स्टेशन पर पास आउट नहीं कर सकती, ट्रेन इलीगल या गैर कानूनी जो है कवर की जाती है। ये सबसे पहली कम्युनिकेशन डिवाइस रेलवे की है मोर्स कोड, ये बेसिकली इन्वेंट जो हुई थी 1836 में हुई थी, लेकिन रेलवे में पहली दफ़ा यूज 1861 में हुई है। ये हमारे पास डीजल इंजन है, ये जो भी स्टिल वर्किंग में है। ये ओगोस बख्श महर थे रेलवे के जो थे ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने जनरल परवेज मुशरफ को ये गिफ्ट किया था, तो उन्होंने फिर यहाँ पर डोनेट किया है, फिर हमने म्यूजियम में रखा हुआ है। मॉडल है डीजल इंजन का 5101। ये 1912 की घड़ी है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, पार्टीशन से पहले रेलवे का नाम था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR। ये ब्रिटिश टाइम की घड़ी है, जिलियट एंड जॉनस्टन्स की है, ये कंपनी थी। ये जो आप देख रहे हैं मॉडल, ये बुलान पास है बलूचिस्तान में, उसका मॉडल है, ये टनल है बलूचिस्तान में। नीचे आप देख रहे हैं सर्च लाइट पड़ी है, रेलवे के ट्रैक की वर्किंग में यूज़ होती है रात के टाइम पर। अगर ट्रैक में ज़्यादा मसला आ गया क्योंकि ये लाइट बड़ी होती है, इसकी थ्रो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये यूज़ होती है, अभी भी यही यूज़ हो रही है ये, लेकिन पुराने ज़माने की मिट्टी के तेल से चलती थी, अभी इलेक्ट्रिसिटी वाली आ गई, बैटरी वाली आ गई। म्यूज़ियम के बाद यहाँ मौजूद पुरानी ट्रेनें भी आने वालों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ होती हैं। इनमें दो जर्मन और एक कैनेडियन स्टीम इंजन
आहद रफ्ता की याद दिलाते हैं। इसके अलावा बिजली से चलने वाली ट्रेन भी यहाँ खड़ी की गई है। इसी तरह यहाँ कदीम दौर में इस्तेमाल होने वाले लिफ्टर्स भी अहमियत के हामिल हैं। स्टेशन पर इंजनों के साथ लगी बोगियों को भी एक तारीखी हैसियत हासिल है। इनमें से एक के मुतालिक कहा जाता है कि इसका ताल्लुक जोधपुर के महाराजा से है। जोधपुर के महाराजा ने ये कोच अपनी बेटी को तोहफ़तन दी थी। ये कोच उस दौर में भी तमाम तर सहूलियात से आरास्ता थी। इसके अलावा एक कोच ऐसी भी मौजूद है जो पहले लॉर्ड माउंटबेटन और बाद अज़ां कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल भी रही। ये कोच भी बेडरूम, सोफ़ों और पंखों वगैरह जैसी सहूलियात से आरास्ता थी। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली और लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का ये मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है। और ये आप ऊपर देखें, ये सारा टीक वुड का बना हुआ है, इसे दीमक वगैरह नहीं लगती, सागवान वुड का बना हुआ है। आम दिनों में कम अफराद यहाँ आते हैं, जबकि वीकेंड काफ़ी मसरूफ़ गुज़रता है। इसी तरह स्कूलों की जानिब से भी तालिबे इल्मों को यहाँ लाया जाता है। ये म्यूज़ियम इस्लामाबाद के चंद तफरीही मुकामात में से एक है, मगर इसके बावजूद जुड़वां शहरों के बेशतर रिहायशी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस बारे में मुअस्सर आगाही मुहिम चलाए, ताकि अवामुन्नास इस तारीखी असासे के बारे में बेहतर तौर पर जान सकें।